morning students, how are you? I hope that you might be very fine, and in today's class we are going to discuss the topic from your literature book, and that is subject verb accords. Now this might be a little new topic for you people, because what happens is the more you learn, the more new concepts you get in your books and in new standards. So this is the topic which the name is subject verb accords. इसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं, कॉन्वर्ट्स भी कहते हैं. ठीक है, देखिए सब्जेक्ट वर्ब अकॉर्ड्स या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो भी है, तो सभी को थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को, लेकिन टफ कुछ भी नहीं है इसमें. सबको ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, उसमें बहुत सारे रूल्स को लर्न करना पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. देखिए, लर्न करने जैसी कोई बात ग्रामर में है ही नहीं, बिकॉज जब आप उसको अपनी डेली लाइफ में उसको यूज करेंगे उन रूल्स को, अगर आप बस उनको याद करके, आप बस उनको याद रखिए और एग्जाम्पल्स के लिए, एग्जाम्पल्स में उसको इस्तेमाल करो, बस इतना ही आपको करना है. तो बहुत ही इजी तरीके से दोनों लैंग्वेजेस में आपको मैं इसलिए समझाती हूँ ताकि आपको टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आए. ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर आपको हिंदी की प्रॉब्लम है, आपको इंग्लिश की प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिससे कि मैं आपको लैंग्वेज में और थोड़ा सा सुधार करके मैं आपको सिखाऊंगी. तो हम शुरू करते हैं. देखिए, सब्जेक्ट और वर्ब अकॉर्ड क्या होता है, कि जब भी हम कोई सेंटेंस लिखें, तो हमने क्या, आपने देखा होगा कि आप कभी कुछ लिखते हो, कोई आर्टिकल लिखते हो, कोई ऐसे लिखते हो, तो आप क्या करते हैं, मैम को चेक कराने को देते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, हम उस बहुत सारे रेड राउंड्स करके आपको वापस कर देते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि आपके सेंटेंसेस में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, या फिर आपका सेंटेंस सही नहीं होता है. तो सेंटेंस क्यों सही नहीं होता, सेंटेंस को सही करने के लिए हमें क्या जरूरी है, हमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सीखना बहुत जरूरी है. अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जब तक सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगेगी और वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट नहीं लगेगा, तब तक आपका सेंटेंस सही नहीं हो सकता है. तो बहुत ही सिंपल तरीके से आज हम सीखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है. सबसे पहला रूल देखते हैं. सबसे पहला रूल ये कह रहे हैं दैट विद सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट गोज, एंड विद प्लूरल वर्ब गोज द प्लूरल सब्जेक्ट. बहुत सिंपल बात है कि भाई कह रहे हैं कि जो सिंगुलर वर्ब है अगर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, या अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगी, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होगी. बहुत इजी सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं. रीता गोज टू स्कूल. अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है रीता और वर्ब है गोज. रीता एक है, शी इज जस्ट वन गर्ल. ओके, तो ये सिंगुलर हो गया, तो हमने गोज लिखा है, हमारा वर्ब भी सिंगुलर है. ठीक है, सिंगुलर है. और नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे हम, दे गो टू स्कूल. दे गो टू स्कूल. अब यहाँ पे हमने ES नहीं लगाया. क्यों नहीं लगाया हमने ES? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है. दे का मतलब वे स्कूल जा रहे हैं. दे का मतलब है कि एक से ज्यादा लोग हैं जो कि स्कूल जा रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट था ये प्लूरल था, इसीलिए हमारी वर्ब भी क्या हो गई, प्लूरल हो गई. तो पहला रूल हमने क्या सीखा बच्चों, कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब जाएगी. इज दैट क्लियर? चलिए अब सेकेंड पे पढ़ते हैं. टू और मोर सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय एंड टेक प्लूरल वर्ब. क्या बोल रहे हैं, फिर से हम पढ़ते हैं. टू और मोर सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय एंड टेक प्लूरल वर्ब. कि भाई दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स जो कि एंड से जुड़ जाते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं. क्या कह रहे हैं, फिर से देखते हैं. कि टू और मोर सब्जेक्ट्स, दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स जिनको कि हम जोड़ते किससे हैं, एंड कंजंक्शन से जोड़ देते हैं. एंड कंजंक्शन होता है, आपको पता है ना, तो एंड कंजंक्शन से अगर हम दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स को जोड़ रहे हैं, तो ऐसे में उस सेंटेंस में इन सब्जेक्ट्स के साथ क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी. हमेशा इस बात को याद रखते हैं. अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कैसे करेंगे इसे. राम एंड श्याम गो आउट फॉर अ मूवी. राम एंड श्याम गो आउट फॉर अ मूवी. तो हमारे पास टू सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, राम है और श्याम है. ठीक है, और हमने राम और श्याम को किससे ज्वाइन किया है, कंजंक्शन लगा के. कौन सा कंजंक्शन, एंड.
तो भाई राम एंड श्याम, अब यहाँ पे गो लिखा है, गोज नहीं लिखा है, तो हमारी वर्ब क्या हो गई? प्लूरल हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि भाई हमारे पास मोर देन वन सब्जेक्ट था जिसको हमने एंड से ज्वाइन कर रखा था। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे होता राम श्याम एंड मोहन, वहां पे भी क्या आता? गो फॉर अ मूवी। वहां पे भी गोज नहीं आता, गो आता। तो जब भी हमारे पास दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको कि हम एंड से ज्वाइन कर देते हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स में इन सब्जेक्ट्स के साथ क्या लगती है? वर्ब प्लूरल लगती है। हम यहाँ पे गोज नहीं लिखेंगे। अगर आपने गोज लिख दिया तो हम इसे कट कर देंगे, यहाँ पे आपकी गो आएगा, बिकॉज गो प्लूरल वर्ब है और हमारा सब्जेक्ट भी प्लूरल है इसी वजह से। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट प्रिसीडेड बाय ईच और एवरी टेक्स सिंगुलर वर्ब। ऐसा सिंगुलर सब्जेक्ट जिसके पहले ईच या एवरी लगा हो, फिर से सुनिए बच्चों, ऐसा सिंगुलर सब्जेक्ट जिसके पहले या तो ईच लगा हो या फिर एवरी लगा हो, उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आती है। ठीक है, ईच और एवरी दोनों ही वर्ड्स ऐसे हैं जिनको पढ़ के हमें एक यूनिट की बात पता चलती है, एक यूनिट है ना। तो एक्सक्यूज मी, फिर से पढ़ते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट प्रिसीडेड बाय ईच और एवरी टेक्स सिंगुलर वर्ब। ऐसा सिंगुलर सब्जेक्ट जिसके पहले या तो ईच लगा है या फिर एवरी लगा है, उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगी। एग्जाम्पल में देखते हैं, ईच वन ऑफ देम इज अ डांसर, ईच वन ऑफ देम इज अ डांसर। तो यहाँ पे देखो ईच है, वन है, ओके, ईच लगा हुआ है। तो हिंदी में मतलब क्या है कि उन सब में से सभी लोग, हर एक जो है ना, उन सब में से हर एक एक डांसर है। उन सभी में से मतलब मान लो कि हम किसी टीम की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि भाई उस टीम के तो सभी जो लोग हैं वो डांसर है। तो हर एक बंदा, हर एक बंदे की बात हो रही है ना, तो हम हर एक बंदे की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वर्ब नहीं लगाएंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे इज लगाया है, आर नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे हर एक बंदे की बात कर रहे हैं, सबकी बात नहीं कर रहे, हर एक की, एक एक की इंडिविजुअल बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। एवरी स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या हो गया? आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले आपका एवरी लगा हुआ है, तो भाई आपको याद आ जाना चाहिए कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले एवरी लगा हुआ है तो मेरा जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर ही होगा, प्लूरल नहीं होगा। एवरी स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी रेगुलर, एवरी स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी रेगुलर। हर एक स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप रेगुलर रहें, रोज स्कूल आए। तो हम हर एक व्यक्ति, हर एक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो वर्ब है वो आर नहीं लगेगा, यहाँ पे इसके साथ आर नहीं लगेगा, इज ही लगेगा। ठीक है, इसकी जगह पर हम आर नहीं लगाएंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हम हर एक बच्चे की बात कर रहे हैं, सारे बच्चों की इकट्ठा करके बात नहीं कर रहे हैं। ओके, चलिए अब हम आगे के रूल्स की तरफ बढ़ेंगे। तब तक कि आप, मैं साइड में हो रही हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, आपने वो लिख लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टू के साथ, और भी हैं लेकिन आज की वीडियो में हम फाइव ही करेंगे। तो फोर्थ रूल हमारा क्या कहता है हम देख लेते हैं। सभी बहुत इजी हैं, आप जब पढ़ेंगे रूल्स को तो आपको याद आएगा, अरे ये तो मैंने वहां पढ़ा था, अरे ये चीज तो मैंने इसमें पढ़ी थी, हर जगह, क्योंकि रूल्स सब में सेम होते हैं। और आप जो भी स्टोरी पढ़ते हो, कोई भी बुक पढ़ते हो, सब में यही रूल्स फॉलो होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि लर्न करने की जरूरत नहीं, बस रिलेट करो अपने आप से और फिर उनको यूज करने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए फोर्थ हमारा रूल क्या है। टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय आइदर और टेक अ सिंगुलर वर्ब एंड सेम रूल अप्लाइज विद नाइदर नॉर। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं जिनको कि हमने आइदर और के साथ जोड़ा हुआ है, तो उसमें हमारा क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। अगर दो, सिर्फ दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं जिनको कि हमने आइदर और के साथ जोड़ दिया, तो उसमें क्या आएगा? सिंगुलर ही वर्ब आएगा। और यही सेम चीज हम नाइदर नॉर के साथ भी करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल इज आइदर सोहन और रोहित इज एट होम।
अब हिंदी में समझो इस चीज को कि भाई या तो सोहन या फिर रोहित जो है वो घर पे है, मतलब दोनों में से कोई एक घर पे है। तो आप खुद ही सोचो, दिमाग लगाओ कि अगर दोनों में से किसी एक की बात हो रही है या तो ये या फिर ये, है ना। तो जब दोनों में से किसी एक की बात हो रही है तो फिर उसमें प्लूरल सब्जेक्ट आने का तो कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। तो सिंपल सी बात है कि रूल को रटने की बात ही नहीं, आप उसमें कॉमन सेंस लगाइए कि आइदर सोहन और रोहित इज एट होम, या तो सोहन घर पे है या फिर रोहित घर पे, कोई एक घर पे है। तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे हमारा सिंगुलर वर्ब इज लगाएंगे, आप नहीं लगाएंगे यहाँ पे बिल्कुल, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली हम नाइदर के साथ करेंगे, नाइदर सोहन नॉर रोहित इज एट होम, ना तो सोहन है और ना ही रोहित है, दोनों में से कोई नहीं है। हम दोनों की बात कर रहे हैं कि ना तो ये है और ना ही ये है, तो एक बार में हम एक इंसान की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, सिंगुलर वर्ब लगाया। तो रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि अगर दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं और उनको हमने आइदर और या नाइदर नॉर के साथ जोड़ दिया है, ठीक है, उसको सेंटेंस में लगाया है, तो उसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, कभी भी उसके साथ हम प्लूरल वर्ब नहीं लगाएंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं और ये आज की वीडियो का लास्ट रूल है, देखते हैं। इफ द फर्स्ट सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड द सेकंड इज प्लूरल एंड दे आर जॉइंड बाय आइदर और प्लूरल वर्ब इज यूज्ड, सम सेम विद नाइदर नॉर। क्या कह रहे हैं कि भाई अगर पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है और दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है, पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल है, उसको हमने आइदर और या नाइदर नॉर के साथ जोड़ा हुआ है, तो वहां पे हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा। सिंपल सी बात समझ लीजिए, एग्जाम्पल के पास देखते हैं, हम एग्जाम्पल के पास जाते हैं। आइदर श्याम और हिज कजन्स हैव टू लीव, दो सब्जेक्ट्स हैं, श्याम है कजन्स है, श्याम सिंगुलर है कजन्स प्लूरल है। ध्यान में रखना सिंगुलर पहले आएगा प्लूरल बाद में आएगा, अगर अगर सिंगुलर वर्ब पहले है प्लूरल बाद में है उसको हमने आइदर और के साथ जोड़ दिया तो हमारा जो वर्ब है वो क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, हैज नहीं लगेगा यहाँ पे। ओके, हैज हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा सेकंड जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो इसीलिए, और उसको हमने आइदर और के साथ ऐड कर दिया, तो रूल ये कहता है कि हम वहां पे प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब नहीं लगाएंगे। ओके, हैव आएगा। और सिमिलर केस नाइदर नॉर के साथ भी होता है, नाइदर श्याम नॉर हिज कजन्स हैव टू लीव, ना तो श्याम को जाना है और ना ही उसके कजन्स को जाना है, ठीक है। तो पहला हमारा, इसमें भी देखिए पहला सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, और सब्जेक्ट सेकंड क्या है हमारा, प्लूरल है, ठीक है, उसको हमने किसके साथ एड अप किया है, नाइदर नॉर के साथ, तो हमारा वर्ब क्या है, प्लूरल। ओके, तो ये हमारे पांच रूल्स थे जो हमने आज पढ़े हैं, आई होप आप इन्हें रिवाइज करोगे अच्छे से, और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए अपने डाउट्स को, मैं वहां पे आपके कमेंट्स को पढ़ के उनका रिप्लाई भी करूंगी, आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो, ताकि आपको पता रहे। सब्सक्राइब आप इसलिए कर दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी तो आपको पता चल जाए और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो, अदरवाइज जो भी वीडियो मिस होगी फिर वो वाला आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो प्लीज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कीप लर्निंग एंड कीप डूइंग योर वर्क, थैंक यू सो मच।